अद्वैत उपचारात्मक शिक्षा एवं चिकित्सा में अग्रणी केंद्र। बोलने, सुनने, पढ़ने, लिखने, चीखना, चिल्लाना, मोबाइल, टीवी, वीडियो गेम आदि की लत वाले बच्चों के निदान के लिए असेसमेंट तथा व्यक्तिगत एवं सामूहिक थेरेपी व उपचारात्मक शिक्षा व्यवस्था। संपर्क करें अद्वैत सी ब्लॉक, पंचशील नगर, मागड़वाली रोड, अजमेर। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, जब कोई बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसकी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस लेवल होता है वो नॉर्मल एक्टिविटीज से जस्ट डबल होता है, क्योंकि उसे अपने सपनों की बात करनी है, अपनी ज़िंदगी में उसको अपना करियर सेट करना है। तो जब कोई सा भी बच्चा अजमेर में मूव करता है किसी भी स्टेट से, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि एज ए पेरेंट हम उनका उसी तरीके से ध्यान रखें जिस तरीके से उनका घर पर रखा जा रहा है। और आप ये बात लगभग यहाँ के हर स्टूडेंट से जानेंगे कि यहाँ बच्चा हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकता है। वो जिन फोटोज़ को देखकर, जिन वीडियोस को देखकर यहाँ पर माइग्रेट करता है, यहाँ तक आता है, वही लोग उन बच्चों से डायरेक्टली मिलते हैं। अगर आप बड़े शहरों में जाओगे ना सर, तो जिन डायरेक्टर्स की, जिन टीचर्स की बड़ी बड़ी होर्डिंग्स और फोटोज़ आपने देखी है, आप उनके दर्शन कर तक नहीं पाओगे। मतलब इससे अच्छा तो ये था कि आप घर पे बैठ कर उनके वीडियोस देख रहे थे, फोटोज देख रहे थे, आपका काम चल रहा था, अब वो काम भी नहीं हो पाएगा। तो वन टू वन इंटरेक्शन, बच्चे का पर्सनली हम लोग ध्यान रखते हैं, हम हर एक ये चीज़ करते हैं कि उसको कभी फील ना हो कि वो अपने घर से बाहर है, घर से दूर है। और ये रीज़न है 14 स्टेट से बच्चा आना, अजमेर जैसे छोटे शहर जो सिर्फ दरगाह की वजह से, ब्रह्मा मंदिर की वजह से जाना जाता है, आसान बात नहीं है। और एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में जिसकी बिल्डिंग कोई 20-25 मंजिल की नहीं है, कई बार आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। मेरा नाम ज्योति है, मैं इंदौर MP से आई हूँ। मैंने पहले एडीकेएसएस में ऑनलाइन पढ़ा था, और उसके बाद मेरे को लगा कि मैं केमिस्ट्री वीक थी, इसलिए मैं यहाँ पे आई। और यहाँ पे सारे टीचर्स अच्छा पढ़ाते हैं, और बाकी हेल्थ इशू या फिर कुछ भी रहती है तो सर अच्छे से बता देते हैं। दीपक शर्मा, मैं हिमाचल प्रदेश से आया हूँ, अजमेर सेल्सियस इंस्टीट्यूट। मेरा ये ड्रॉप ईयर है, तो मैं यहाँ पे 1 ईयर के कोर्स के लिए आया हूँ। कैसा लग रहा है आपको यहाँ आकर, यहाँ की स्टडीज़ वगैरह कैसी है? स्टडीज़ वगैरह बहुत अच्छी हैं, एज एक्सपेक्टेड बहुत अच्छा कंटेंट मिला है। जैसे कि जानते हैं कि कोटा एक कोचिंग नाम है, पर उसके एक्सपेक्टेड में यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीज़ें मिली। जैसे कोटा में जाते हैं तो वहाँ पे एक क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे भरे रहते हैं, एटलीस्ट 200 से 300 बच्चे रहते हैं, और यहाँ पे लिमिटेड बच्चे रहते हैं तो फोकस भी ज़्यादा रहता है लिमिटेड बच्चों पे, और पर्सनल गाइडेंस मेंटरशिप भी मिलती रहती है, और पेरेंट्स को हमारी प्रोग्रेस भी पता चलती रहती है, और रेगुलरली बातें भी होती रहती है पेरेंट्स के साथ, टीचर्स की। जैसे यहाँ पे AB के सर हैं तो उनकी रेगुलरली बात होती रहती है, जैसे पेरेंट्स से कल ही हुई है मेरे पेरेंट्स के साथ। तो आपकी डिफरेंस है, हिमाचल सेल्सियस आना कैसे हुआ, कैसे आपको मालूम पड़ा सेल्सियस? इंस्टीट्यूट तो सर बहुत सारे, जैसे हिमाचल में भी है काफ़ी, चंडीगढ़ में भी है, कोटा में भी है, अजमेर में स्पेशली इसलिए आए क्योंकि सेल्सियस है, मतलब एक चिंता नहीं रहती कि मतलब कुछ भी मतलब कम रह जाएगा, और स्पेशल प्रायोरिटी दी जाती है बच्चों को कि बच्चे पे ध्यान दिया जाता है, मतलब पर्सनली बुला के पूछते हैं टीचर कि मार्क्स कम क्यों हो गए, टेस्ट नहीं दिया, होमवर्क नहीं किया, तो ऐसे मेंटरशिप करते रहते हैं और गाइडेंस भी देते हैं और मोटिवेट भी करते रहते हैं, क्लास में इतना मोटिवेशन हो जाता है और मेंटरशिप देते रहते हैं और स्ट्रेस के ऊपर लेक्चर बहुत सारे। मेरा नाम अमीना है, मैं 2019 में यहाँ से सेलेक्ट हुई हूँ, और मेरा कॉलेज जो है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डूंगरपुर में है, मेरा थर्ड ईयर है जिसका फाइनल चल रहा है अभी, और मैंने यहाँ सेल्सियस में 2 साल तक कोचिंग की थी। उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे से सपोर्ट किया, मोटिवेट किया है, पढ़ाई के मामले में पूरी तरह से सपोर्ट किया, फाइनेंशियली भी काफ़ी अच्छा सपोर्ट किया उन्होंने। और मैं यहाँ पे सुबह 6:30 आती थी और शाम को 7:30, 8, 9, कभी कभी 9 भी बज जाते थे, तो पूरे टीचर तब तक मुझे यहाँ पे हमेशा मिलते थे ताकि कभी अकेले ना रहना पड़े, या फिर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम रहता था मुझे डिस्टेंस वगैरह का कि यहाँ से घर का जो डिस्टेंस है काफ़ी दूर है। बाकी मुझे इसके अलावा यहाँ से सेल्सियस से कभी कोई प्रॉब्लम इशू नहीं हुई है। कहाँ के रहने वाले हैं? खानपुर अजमेर। आप ये बताइए, आपके परिवार में पिताजी जो हैं वो क्या काम करते हैं और कैसे माहौल से निकलकर आज आप MBBS कर रहे हैं? मेरे पापा जो है वो पोल्ट्री फार्म पे काम करते हैं, वो पूरा मामला वहाँ पे संभालते वगैरह है, वो वहाँ की फाइनेंशियल कंडीशन भी थोड़ी बहुत अच्छी है, उन्होंने मुझे हमेशा फाइनेंशियली पूरी तरह से सपोर्ट किया। जैसे मुझे कभी
जैसे मुझे छोड़ना होता था यहाँ से, घर से यहाँ तक छोड़ना होता था, यहाँ से लेने यहाँ पहुँचा था, रात कभी लेट हो जाता था ऐसे, तो पापा को कभी काफ़ी दिक्कत भी होती थी, लेकिन उन्होंने काफ़ी से। और मैं इंदौर मध्य प्रदेश से यहाँ पे आया हूँ, और इंदौर से आने के पीछे ये रीज़न ये था कि वहाँ पे भी इंदौर में बहुत सारे कोचिंग मिल जाएंगे आपको, सारी बड़ी से बड़ी कोचिंग से LNA आकार, लेकिन जो है यहाँ पे जो सेल्सियस से फैसिलिटीज़ मिलती है वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलेगी। जैसे जो मैं यहाँ से पहले जो पढ़ता था वो LN में ही पढ़ता था, तो उसके बाद में वहाँ पे क्या मेंटरशिप और टीचर्स को मालूम ही नहीं था बच्चा क्या कर रहा है, कितने मार्क्स आ रहे हैं, उसको कैसे इम्प्रूव करना चाहिए अपने मार्क्स को, और वो आगे खुद को ज़्यादा मार्क्स बढ़ाने के लिए या फिर खुद को इम्प्रूवमेंट के लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पे वही फैसिलिटीज़ मिलती है कि यहाँ टीचर्स हमारे साथ मतलब 1-to-1 लगे रहते हैं और मैं गाइड करते रहते हैं कैसे आप खुद को इम्प्रूव कर सकते हैं और जो रिजल्ट को बेटर से बेटर कर सकते हैं। ठीक है।